और वो मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला, बहुत अच्छे मुझे मैसेजेस आए, लोगों ने मुझे बताया मैसेंजर पे, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक पेज पे. सो थैंक यू वेरी मच. और इस मास्क का नाम है उद्धम स्किन टाइटनिंग मास्क. बहुत ईजी इसने उद्धम मचा दी थी. जैसे आप मचाती हैं उद्धम, बिल्कुल वैसी उद्धम मचाई इसने. ये भी मचाते हैं, वो भी मचाते हैं, दोनों उद्धम मचाते हैं. तो जबरदस्त ये मास्क है. हम दोनों बहनों के पीछे ही पड़े रहा घर में भी बहुत उद्धम मचाते हैं. आप इधर आ जाइए, वो आपको कह रहे हैं, आप दूसरी, हाँ उस पे आ जाए जी. तो उद्धम तो इस्तार चलाते हो, वक्फा जरूरी है. क्या कह रहे हैं? वक्फा जरूरी है. डॉक्टर साहब बताइएगा, अच्छी बात नहीं है यार. उद्धम मास्क है, यू से उपटन, एक टेबल स्पून, ठीक है, दूध. अच्छा मैं बनाता हूँ डॉक्टर साहब, मुझे बताइए. चलिए जी, मैं बना रहा हूँ उद्धम मास्क, मैं बना रहा हूँ. ये उपटन है, उपटन है एक एक टेबल स्पून, ठीक है, बड़ा चमचा. हाँ जी, हीप करके. अच्छा, दूध है लिक्विड फॉर्म में एक टेबल स्पून. अच्छा जी, मैं एक टेबल स्पून दूध है लिक्विड फॉर्म के अंदर, ये मैं डाल रहा हूँ इसमें. एक टेबल स्पून मैंने डाल दिया, थोड़ा सा ज्यादा मैंने किया, सॉरी, नो प्रॉब्लम. अच्छा जी, खालिस शहद जो है, हनी, एच से हनी है, आधा टेबल स्पून. ये ख्याल रखिएगा हनी की क्वांटिटी उतनी करें. और जैसे साहिर बताते हैं कि एज अ डॉक्टर मैं वो कहूँगा, जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उनको डबल फ़ायदा होता है, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट भी देता हूँ मैं, और अगर कोई रिक्वेस्ट करते हैं फॉर एनी रेमेडी तो वो भी मैं देता हूँ, लेकिन मैं ब्लड टेस्ट बहुत कराता हूँ, बिकॉज आई वांट टू गो टू द रूट कॉज. ठीक है, एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल है ये भी एक टेबल स्पून, ठीक है. ये ख्याल रखिएगा कि टेबल स्पून रखिएगा ताकि ज़्यादा क्वांटिटी में बने, क्योंकि स्किन टाइटनिंग से फेस की नहीं है, गर्दन की भी होती है साथ साथ, तो पूरे फेस को और गर्दन को कवर करेगा, ठीक है जी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एम से है मेडिकल क्रीम है, ये अवेलेबल है मार्केट में एक्सियो फार्मा की, ये आपको ऐड करना है. ये आपको स्किन टाइटनिंग में हेल्प भी करी है. ये देखिए, ये मेडिकल क्रीम है एक्सियो फार्मा की, कितनी ऐड करनी है? पूरी ऐड कर देनी है इसके अंदर, ठीक है ना. ये मैंने इसके अंदर, फायदा ये होगा कि आपकी स्किन टाइटनिंग भी होगी और स्किन वाइटनिंग भी होगी. अच्छी बात ये कि इस कॉम्बिनेशन में अभी तक मेरे पास कोई रिएक्शन नहीं आए, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ इट्स बेटर टू बी सेफ देन टू बी सॉरी. आप इसको ज़रूर पैच टेस्टिंग करें कान के पीछे, 10 से 15 मिनट वेट करें. अगर रेडनेस, बर्निंग, इचिंग, जो कि अभी तक रिपोर्ट नहीं किया किसी ने मुझसे, बट अगर वो हो तो इसको अवॉइड करें. लेकिन ये बहुत इजी मास्क है, लेकिन अच्छा से होगा क्या डॉक्टर, होगा क्या ये बताइए ना. स्किन टाइटनिंग होगी आपकी, और आपकी स्किन पे जो पिगमेंटेशन है और स्किन वाइटनिंग का, वाइटनिंग को मैं ज्यादा नहीं प्रमोट करता हूं, मैं कहता हूं दिलकश, आपका स्किन दिलकश लगनी चाहिए. अच्छा डॉक्टर साहब, एक कलर, एक बड़ा एक यार मिसकंसेप्शन है कि हम एलोवेरा को डायरेक्टली लगा ले मुंह पे. जी देखिए, कुछ केसेस में रिपोर्ट हुआ है बहुत रिएक्शन, सीवियर रिएक्शन होता है, तो प्लीज मेक श्योर कीजिए. मुझे बहुत सारे लोगों ने सवाल किया था कि क्या एलोवेरा को हम डायरेक्ट लगा सकते हैं. लगा तो सकते हैं, लेकिन लगाने की कोशिश मत करें.